थाना सिधारी अंतर्गत जो कल घटना हुई थी चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में, उसके संबंध में कल ही शाम को लगभग 5 बजे परिजनों की तहरीर के आधार पर धारा 302 IPC का मुकदमा दो अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई पुलिस के द्वारा कराई गई है, वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम हुआ है और डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। सुबह जो परिजन है वो मेरे से आके मिले थे, उनको आश्वस्त किया गया कि पुलिस के द्वारा बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से विवेचना की जाएगी और जो भी घटना में शामिल है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौका मुआयना किया गया है, साक्ष संकलन किया गया है और दोबारा से परिजनों के द्वारा अनुरोध किया गया है कि एक बार फिर से फील्ड यूनिट जाके साक्ष संकलन करें। उसके लिए भी फील्ड यूनिट को निर्देशित कर दिया गया है और बहुत साइंटिफिक तरीके से विवेचना कराएंगे और जो भी लोग शामिल होंगे उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। परिजनों ने जो तहरीर दी है वो लड़की के जो बच्ची के पिताजी हैं उनके हस्तलेख में वो तहरीर है, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। जो तहरीर में आरोप लगाए गए थे उसके आधार पर धारा 302 जो मर्डर की धारा है, हत्या की धारा है, उसका मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सुबह उन जब आए थे तो कुछ आशंकाएं जाहिर की गई, उनको बताया गया कि उनका हम लोग बयान देंगे, 161 CRPC के अंतर्गत विवेचना के दौरान बयान दिया जाता है, वो बयान लिया जाएगा परिजनों का। उसमें और भी अगर वो कोई आशंकाएं जताएंगे उनको शामिल करते हुए आगे कार्रवाई। संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला आया, क्या प्रकरण है सर? सूचना मिलने पर मैं मेरे द्वारा और यहाँ थाना प्रभारी द्वारा चिल्ड्रन स्कूल में सूचना मिली थी जिसमें छत से गिरने से एक लड़की की मृत्यु हो गई है और अभी मौके पर आके हम लोगों ने जांच की, CCTV फुटेज चेक करवाए, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और आगे जांच की जा रही है, परिजन से तहरीर ली जा रही है और जो सुसंगत धाराएं होंगी उसमें मुकदमा लिखा जाएगा। सर, परिजनों का आरोप है कि साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की गई, जहां उसकी बॉडी पड़ी थी वहां पे धूला गया है और हत्या का भी आरोप लगाया है परिजनों ने, इसको किस तरीके से देखा जाएगा? इस चीज़ की जाँच चल रही है, इसी चीज़ को मैं भी इसको देख रहा था और इस चीज़ की अभी जाँच चल रही है, फॉरेंसिक टीम अपने सैंपल्स कलेक्ट कर रही है, ऐसा अभी तक पुष्टि नहीं की जा सकती, जो फॉरेंसिक और बाकी जांच के तथ्य आएंगे वो तब ये क्लियर हो पाएगा। सर, परिजनों का ये भी आरोप है कि घंटों उनको गुमराह किया गया है, बॉडी को हॉस्पिटल में भेजा गया बिना परिजनों की सूचना दिए, इस तरीके के बारे? नहीं, ये बात पुष्टि नहीं करूँगा क्योंकि जब मैं आया था बॉडी यहीं पर थी और मेरे द्वारा ही फॉरेंसिक टीम को बुला के प्रॉपर जाँच करवा के तब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवाई गई। CCTV कैमरा जितने मैंने अभी तक चेक किए हैं उसमें ऐसा कोई क्लियर मार पीटते कुछ ऐसा नहीं दिखाया।